विदर्भ के लिए अच्छी खबर आई है। अब समृद्धि महामार्ग का विस्तार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके तहत MSRDC ने विदर्भ में समृद्धि महामार्ग से जोड़ने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। लेकिन खास बात यह है कि अब चंद्रपुर को भी समृद्धि महामार्ग से जोड़ने के लिए टेंडर जारी किया गया है, जिसमें नागपुर से चंद्रपुर तक 155 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसमें 9543 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि 701 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसमें महाराष्ट्र के विदर्भ के गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर को एक्सप्रेसवे द्वारा जोड़ने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग के विस्तार के तीसरे चरण की शुरुआत की है, जो कि भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली जिलों को जोड़ेगा, जिसमें नागपुर से गोंदिया तक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि 127 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसे 7345 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं इसके अलावा भी भंडारा से गोंदिया के बीच 28 किलोमीटर का हिस्सा 1587 करोड़ रुपए में बनाया जाना है। इसमें महाराष्ट्र के विदर्भ के ये जिले समृद्धि महामार्ग से अच्छी तरीके से कनेक्ट तो होंगे ही, साथ ही इन जिलों को ट्रांसपोर्टेशन भी तेज और कम समय में हो पाएगा। देखा जाए तो विदर्भ में इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 18475 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन समृद्धि महामार्ग से महाराष्ट्र के 33 जिले कनेक्ट होंगे, जिसकी अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, जिसमें नागपुर गोंदिया, भंडारा गढ़चिरौली, नागपुर चंद्रपुर, जलना नांदेड़ एक्सप्रेसवे भी शामिल है।